लो भाई मैं ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले लंबी बात नहीं करूंगा, लंबी बात करने के लिए सर बैठे हुए हैं वहां पे। मैं कजोल जी की तारीफ में सिर्फ दो शब्द कहूंगा। बोलिए। दो शब्द भाई, दो शब्द हो गया। ठोको ठोको मां क्या ठोको। डुप्लीकेट कहेगा वो भी, मेरे को डुप्लीकेट कह रहे हैं ये खुद बड़े ओरिजिनल हैं, ये भी तो डुप्लीकेट ही। हाँ ठोको भाई ठोको। एक मिनट, गेम शुरू करने से पहले मैं चलो भाई। हेलो भाई, हेलो, हंसो हंसो ठोको। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। ओह लालो। ओह हो। कंप्यूटर जी ने खेल समाप्ति की घोषणा कर दी है, हमारा टाइम पूरा हो गया। तो ये खेल को जारी रखेंगे हम कल भी अजय देवगन काजल के साथ। जोरदार तालियां। चलिए कल का बचा हुआ खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने मेहमानों का, जोरदार तालियां। थैंक यू। तो खेला चालू करते हैं। That was a joke. खेला शुरू करते हैं। ये रहा आपका, ये रहा आपका और ये रहा मेरा। रुके, धतूरा खा के आए हैं का? इका कर रहे हैं आप यहाँ? दिवाली का टाइम है, ताश तो बनती है। क्योंकि तीसरे बादशाह हम है। That was another bad joke. तो खेला शुरू करते हैं। कारो खेला शुरू, कब से खेला 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 शुरू शुरू लगा रखा है? तेरे क्रिकेट की बॉल। सबसे पहला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 200 करोड़ रुपया के लिए। दो सौ करोड़ आपका अब्बा हुजूर भी कभी देखा है जिंदगी में? तेरी लिट्टी का चोखा। दिवाली का टाइम इसलिए फ्लो फ्लो में ज्यादा बोल गए। तो सवाल ये रहा, आपकी फिल्म सिंगम रिटर्न में सिंगम रिटर्न क्यों होता है? ऑप्शन ए कि सिंगम की गन देव ले गया था, या ऑप्शन बी आगे यू टर्न का बोर्ड लगा हुआ था, ऑप्शन सी गर्मी बहुत थी, या ऑप्शन डी सिंगम चार्जर घर पे भूल गया था। भाई मुझे भूलने से एक शेर याद आया है। वाह, इनको भूलने से याद है, हमें याद आने से भूल जाता है। ओके, पढ़ा है शेर, मैं खड़का देता हूँ अपनी किताब पिद्दू की रोमानी शायरी से। भाई पहले किताब दिखाइए, कौन सी है ये? पिद्दू की रोमानी शायरी है भाई जी। भाई चैन चुराया मेरा। मेरे ख्याल से उनको बदबू आ रही है, शायद आप प्याज खा के आए। चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी। वाह, चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी। चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी। इधर ही हमारी कुर्सी बैठी, उधर हमारी कुर्सी टूटी। इसी बात पर हम भी एक शेर मारना चाहेंगे। अरे तू तो किसी को भी मार सकती, तू तो इंजन मार दे। ये लीजिए हमारी तरफ से हम एक शेर मार रहे हैं। मारो भी मारो। वाह भाई वाह, इतना प्यारा शेर को मार दे। चुप शेर के बच्चे, कौन कहता है शत्रु शेर से डरता है? ये देखो क्या, हम भी शेर मार सकते हैं। भाई क्या शेर मारा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर मारा है। कजोल जी मैं कहता हूँ भाई, इसको आप कैच कीजिए। आहा भाई वाह, आप इनको दीजिए। वेरी नाइस वेरी नाइस, आप इनको दीजिए, पास कीजिए पास कीजिए। ये हो कर आए, आप मेरे को दीजिए। आहा हा, लो पकड़ भाई। भाई मैं इस शेर बड़ा अच्छा है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा था मार्केट में, नया नया। और आप भी इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी। ठोको जी,
अजय देवगन जी, सवाल का जवाब दीजिए, सिंगम रिटर्न क्यों हुआ था? मेरे हिसाब से सारे चारों के चार सही थे। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं और आपको मिलता है ये चेक। ये लीजिए चेक, इसको बड़े कॉलर में बनवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया काजल। आपको मिलता है दिवाली पे ये पटाखा। फुलझड़ी हम आपको देंगे, शायद अभी हमारे बजट में नहीं है, ये इको फ्रेंडली पटाखा जो अंदर से खाली है, इसीलिए तो पोल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री होगा ही, जल चुका है, कैसे जलेगा ही, नहीं तो पॉल्यूशन फ्री होगा। तेरे कान का मैल। अरे का है। अगला सवाल पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई। अरे आप फंस गए हैं, घूम लीजिए थोड़ा, घूम लीजिए। ऑप्शन बी आदर्श, शाबाश। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई, ऑप्शन बी मालिक छुट्टी पर था, ऑप्शन सी पत्ती किसी ने चाय में डाल दी थी, या ऑप्शन डी पत्तियां थी मगर उनका क्रेडिट नहीं मिला। हेलो, ठोको भाई ठोको ठोको। हाँ जी, हाँ हाँ, क्रैक क्रैक क्रैक, हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, आंधियों से लड़ेगा, चोलों पे चलेगा, तूफानों से भिड़ेगा, डार्लिंग ट्रैफिक बहुत है, मैं कल आऊं तो चलेगा? मेरी वाइफ का फोन था। देखिए अजय जी, काजल जी, आप एक काम कीजिए, आप ऑडियंस का ऑनियन ले लीजिए। तेरे राणा का डग्गू भाती, ऑडियंस का ओपिनियन होता है, ऑनियन नहीं। अरे ओपिनियन तो हर जगह फ्री में मिल जाता है, ऑनियन आजकल बहुत ही महंगा मिलता है, वो ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अरे देखिए, बहुत ही काम का चीज भी है, इसको ऐसा बगल में डाल लीजिए, लू नहीं लगता। हाँ, और मुंह में डाल लो तो कोई पास नहीं लगता। फालतू बकवास कर रही है। फोन फ्रेंड करें? जी बिल्कुल, फोन फ्रेंड करते हैं। फोन लगा, मैं किसको लगाऊं? राम से मेरा झगड़ा हुआ था, शाम मेरे को मुंह नहीं लगाता। शकाल और सबसे झगड़ा हुआ, जाए तो जाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। हाँ हाँ से गाइए भाई। मैं गाता हूँ, देखो भाई, मैं गाता हूँ। कई लड़कियां आती हैं भाई, कई लड़कियां जाती हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। इसमें ह कहाँ है? हा, ये ले है, आ गया। कई लड़कियां आती हैं भाई, कई लड़कियां जाती हैं, मगर बिना टिकट के बहुत कम लड़कियां पकड़ी जाती हैं। थोको भाई, थोको। तो सवाल था कि फूल काटने में पत्तियां क्यों नहीं है? जवाब दीजिए अजय जी। फोन फ्रेंड किया हमने? फोन उठा, एक सेकंड, मैं अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ। शेनू, हाँ, हिम्मत है तो फोन उठा। नहीं उठा रहा, जब चटनी के, चलो बताइए फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? अभी ये तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा, चलो। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे नहीं आता, तो टाइटल चेंज कर देते हैं, फूल कांटे और पत्तियां। बिल्कुल सही जवाब। चलो, आपको मिलता है ये इनाम, ये बोतल मैंने रात ही को खाली की थी, आप इसमें रॉकेट चला के हिश हिश एंजॉय करते आते हुए ले जाइए। आप यहाँ पर इनाम, मैं सबको बोतल दे रहा हूँ, पटाखा दे रहा हूँ, पैसा तो देते नहीं, और खेल का नाम है के भैल करोड़पति। तेरे पटाखे की दिवाली, चुप। के भैल करोड़पति मतलब ये भैल करोड़पति, हमारे शो में सिर्फ करोड़पति लोग खेलने आते हैं। अजय जी और काजल जी, ये रहा आपका अगला सवाल पर 3 करोड़ रुपए के लिए। रख तेरे बाप का कीबोर्ड, रख, पहले सवाल पूछने दे। तो ये रहा 3 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल। हाँ भाई। काला खट्टा
कितना खट्टा होता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इतना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आइए। हमारा तो एक ये सुन के हमारे मुंह में पानी सा आ गया। तेरे नील के नितिनगन मुकेश हट। तो सवाल था कि काला खट्टा कितना खट्टा आता है, आपके ऑप्शन ए बी सी डी दोनों। आइए मैं बताती हूँ। जी जी, काला खट्टा। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत जाती हैं 150 किलो का नेकलेस। औरत, ये रही नेकलेस औरत, ले जाइए। लड़कियां कितनी खुश हो रही है इस बात में। आपके शत्रु का घन का तरीका हुआ बात करने का, ऐसा बेइज्जती करते हैं। गला भर गया। झूठ बोल रही, गला कहाँ कहाँ से भर गया। बोले मेरा थैला भर गया। ओ भाई, इस बात पे तू उदास हो गई है ना तू। मैं अपनी किताब पिद्दू की उदास शायरी से एक शेर सुनाता हूँ। उदास शायरी। लो भाई, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। चांद सिफारिश करता जो हमारी देता जो तुमको बता। आगे आगे। चांद ने सिफारिश करी नहीं ना, फिर आगे क्या बताऊं मैं। चांद ने सिफारिश करी नहीं। अव्वल दर्जे का बकवास शेर था ये। ठोको भाई ठोको। चलिए आपका सवाल है 5 करोड़ के लिए कि सर 1990 में एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। एक तो हमारा ये तंग करी जा रहा है। देखिए 1990 में अजय देवगन की कौन सी फिल्म आई थी? ठीक है। फूल और कांटे कब आई थी? 91 में। ओ, एक साल पहले आई थी। एक साल बाद आई थी। तब क्या हो रहा था 1990 में? क्या हुआ था भाई? शूटिंग चल कुछ नहीं हुआ था। नहीं, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। मैं एक बात समझता हूँ। देखो भाई, इस बात पे तुम बार बार छेड़ते टीचरबाजी करते रहो, तो उसी बात में मैं कहना चाहूंगा, आताबाजी सटली। आताबाजी सटली भाई। हमेश, ये इनका डायलॉग है। अच्छा, ये इनका है तो ला भी ठोको भी ठोको। ये उनका डायलॉग है। अच्छा भाई, खामोश। तुम ऐसे नहीं हटोगे। लोगों का डायलॉग बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। बोल, पहले मेहमानों को भेज दूं, फिर तुमसे बात करता हूं मैं। बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। लेडीज के सामने लड़ना अच्छी बात नहीं, उनको विदाई करके तुम्हारी लेडीज की बात नहीं कर रहा। बट तो एक बार काजल जी के लिए जोरदार तालियां। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।